गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, 28 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है वो निकल के आया है, जो कि ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में दिया था और इसके बाद डिपार्टमेंट चला गया था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिजेक्ट करते हुए इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू जो है वो सारी चीजें बता दी हैं। इस जजमेंट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो जजमेंट है ये बेसिकली जीएसटीआर 3B की रिवीजन ऑफ रिटर्न को लेकर के निकल के आया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारा केस था जो कि फेवर में आया था दिल्ली हाई कोर्ट से, उसके अंदर क्या चीजें लिखी गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारतीय एयरटेल का जो केस है इन फेवर ऑफ एसएससी जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये कहता था वी अलाउ द प्रेजेंट पिटीशन, हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ किया और परमिट द पिटीशनर टू रेक्टिफाई फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द पीरियड टू विच द एरर रिलेट्स। यानी कि जीएसटीआर 3B में जो एरर हो गई है उस एरर को रेक्टिफाई करने का परमिशन दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया था। अब इस चीज को लेकर के चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर जो फेवर में आया था उसमें क्या बातें लिखी गई, द पैरामाउंट ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर इज दैट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 17, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर जीएसटी लागू होने के पहले 3 महीने के अंदर, द पिटिशनर इन इट्स मंथली जीएसटीआर 3B रिकॉर्डेड द आईटीसी बेस्ड ऑन इट्स एस्टिमेट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया वो पिटिशनर के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन लिया गया है। इस फेवरेबल जजमेंट को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो 52 पन्ने का जजमेंट है उसका एक ही क्रक्स है और वो क्रक्स तब समझ आएगा आपको जब इस जजमेंट का आप पूरी तरीके से डिटेल्ड में समझ पाएंगे कि हुआ क्या। तो यहां पर जीएसटीआर 3B जो फाइल करी गई उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एस्टिमेटेड बेसिस ले लिया गया पिटिशनर के द्वारा। एज अ रिजल्ट व्हेन द पिटिशनर हैड टू डिस्चार्ज द जीएसटी लायबिलिटी फॉर द रेलेवेंट पीरियड द डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेलेबल वेयर नॉट नोन एंड द पिटिशनर वाज कंपेल्ड टू डिस्चार्ज इट्स टैक्स लायबिलिटी इन कैश। अब जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे लिया गया जिसकी वजह से जो लायबिलिटी बनी वो कैश के अंदर पेमेंट करना पड़ गया। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्चुअल आईटीसी जो है वो क्लेम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ऑल्दो एक्चुअली आईटीसी वाज अवेलेबल बट इट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द सिस्टम ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ डेटा। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये चीजें बताई गई कि लैक ऑफ डेटा की वजह से यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कम क्लेम हो गया जिसकी वजह से लायबिलिटी कैश में चली गई। द एग्जैक्ट आईटीसी अवेलेबल फॉर द रेलिवेंट पीरियड वाज डिस्कवर्ड ओनली लेटर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। जुलाई अगस्त सितंबर 17 का इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक्चुअल डेटा पिटिशनर ने नोट किया अक्टूबर 2018 में, जब जीएसटीआर 2A का फॉर्म जो है वो ऑपरेशनलाइज किया गया पास्ट पीरियड्स के लिए। इसका मतलब जीएसटी पोर्टल ने ऐसा करा था कि आपका जीएसटीआर 2A जो है वो पॉपुलेट नहीं हुआ जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, जिसके कारण जो आईटीसी लिया गया वो एक एस्टिमेटेड बेसिस पे क्लेम कर लिया गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नजरअंदाज करते हुए ये पिटीशन के अंदर बातें जो हैं वो लिखी गई कि आपने एस्टिमेशन बेसिस पे आईटीसी लिया, जो एक्चुअल आईटीसी है वो पता लगा अक्टूबर 18 में जब 2A लगा। देयर अपॉन प्रीसाइज डिटेल्स वेर कंप्यूटेड एंड द पिटिशनर रियलाइज्ड दैट फॉर द रेलिवेंट पीरियड आईटीसी हैड बीन अंडर रिपोर्ट। और जब अक्टूबर 18 में 2A आया तब उसको चेक करके ये पता लगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो तो कम चला गया। द पिटिशनर एलिजेस दैट देयर हैज बीन एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय वे ऑफ कैश टू द ट्यून ऑफ अप्रोक्सीमेटली 923 crores। और पिटिशनर ये बातें बताई कि चूंकि हमारे पास 2A का डेटा अवेलेबल नहीं था इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होने की वजह से कैश अमाउंट 923 करोड़ रुपए जो है वो जमा करना पड़ा। दिस वॉज ओकेजन्ड
टू अ ग्रेट डिग्री ड्यू टू नॉन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 2A GSTR 2 एंड 3 जो पोर्टल की खामियां थी उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। Moreover, since there were no checks in 3B which was manually filled up by the petitioner, the excess payment of tax went unnoticed. और 3B के अंदर चूंकि कोई checks and balances नहीं है, इसीलिए जो excess payment हुआ वो भी पता नहीं लगा at the time of filing. Petitioner now desires to correct its return, but is being prevented from doing so. अब इन सारी चीजों को देखते हुए पिटिशन ये डाला गया कि हमें GSTR 3B की रिटर्न जो है वो रिवाइज करने दिया जाए, और इसके बाद हाई कोर्ट ने यहां पर बताया था, हेल्ड ये हुआ कि रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न जो है वो अलाउ किया जाएगा इन रेस्पॉन्स टू सर्कुलर नंबर 26/17 डेटेड 29 दिसंबर टू द एक्सटेंट दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स द रेक्टिफिकेशन ऑफ 3B इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड इन विच द एरर हैज ऑकर्ड. तो जिस महीने आपका 3B के अंदर गलती मिलता है उस महीने आप गलती को ठीक कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली वी अलाउ द प्रेजेंट पिटिशन एंड परमिट द पिटिशनर टू रेक्टिफाई 3B फॉर द पीरियड टू विच द एरर रिलेट्स, दैट इज द रेलिवेंट पीरियड फ्रॉम जुलाई 17 टू सेप्टेंबर 17. तो यहां पर हाई कोर्ट ने यह बोला कि आप अपनी पिछली रिटर्न्स जो हैं उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और डायरेक्ट किया गया कि जो फाइलिंग ऑफ रेक्टिफाइड 3B होगा उसे वेरीफाई करके बाकी सारी चीजें होंगी. ये सारा कहानी होने के बाद डिपार्टमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट. 52 पन्ने का ये जजमेंट है. इस 52 पन्ने के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को रिजेक्ट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और ये कह दिया कि अब आप अपनी GSTR 3B को रिवाइज नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, अगर इस 52 पन्ने के जजमेंट को आप पढ़ेंगे, एक आपको प्रिंसिपल समझ में आएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया है. आपको यह बताया गया कि आपने पिटीशन जब डाला दिल्ली हाई कोर्ट में तो आपने ये कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने एस्टिमेशन बेसिस पे लिया है क्योंकि 2A और पोर्टल पे बाकी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे. फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे ये बात मान ली गई, लेकिन आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं क्लेम किया? उसको क्लेम करने से आपको किसने रोका था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो परचेजेस इनवॉइसेस हैं उसके बेसिस पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे, ना कि एस्टिमेशन बेसिस पे, क्योंकि जो आपको जीएसटीआर 3 भी भरना है सेक्शन 39 रेड विद सेक्शन 59 ये कहता है कि आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे सारी चीजें टैक्स का पेमेंट और कैलकुलेशन जो है वो करना है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इम्फेसिस लेते हुए ये जजमेंट जो है बता दिया गया है कि हाई कोर्ट ने जो चीजें बताई है उसको रिजेक्ट किया जाएगा और आपका जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है वो अब काम नहीं आएगा. इन व्यू ऑफ द अबव दिस अपील इज अलाउड, द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर इज सेट असाइड. तो आपको लबोलवाब ये समझना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर सकते हैं आगे चल के. ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको काम आने वाली है. ऐसे ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको हमारी नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है. तो अगर आप लोगों ने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते.